जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एचटीएमएल लैंग्वेज सीख रहे हैं और ये हम लोग की वेब डिजाइनिंग की एक सीरीज है और सीरीज का आज का टॉपिक है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आज का टॉपिक है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के अपियरेंस को हम जहाँ पे चेंज करते हैं वो प्रोसेस हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें दे रखा है इफ यू यूज ए वर्ड प्रोसेसर, अगर आपने कोई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है लाइक एमएस वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया या ओपन ऑफिस राइटर हो गया, यू मस्ट फेमिलियर विद द एबिलिटी टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटलाइज्ड और अंडरलाइन। दीज आर जस्ट थ्री ऑफ द 10 ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिकेट हाउ टेक्स्ट कैन अपियर इन द एचटीएमएल एंड XHTML। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर आपने कोई वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और ऐसे कम से कम 10 ऑप्शन आपने यूज किए होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें इसी तरीके का इफेक्ट अपने HTML के टेक्स्ट पर लाना हो तो उसके लिए ये सारे टैग दे रखे हैं। सबसे पहला इसमें टैग दे रखा है स्टिकी थ्रो। ये क्या करेगा, ये किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। स्ट्राइकी थ्रो ये क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक, तो चलिए एक एक टैग का यूज हम लोग करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होगा, यूज कैसे होगा इसका। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर, कोड एडिटर पर, और हम लोगों का कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, हमारी पहले से बनी हुई फाइल हमारे सामने डिफॉल्ट रूप से ओपन होती है और यहाँ पर हम इन टैग का यूज करके देखेंगे कि ये टैग हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम आ जाते हैं index.html में, जहाँ पर कुछ कोड हमारे पहले से लिखे गए हैं और यहीं पर हम इन चीजों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, या प्री के भीतर ही आ जाते हैं पुरानी वाली फाइल में और यहीं पर हम इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने कल का DTDT टैग एक बार हटा देते हैं। आईडी कार्ड सबको लगा लो ही अपना अपना। ये सारे टैग हमने हटा दिए और हमारे पास कुछ टेक्स्ट बचे हुए हैं, इन टेक्स्ट पर हम इसका यूज करके देखें। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को काट कर हमें उसे सही करके लिखना है, उस पर एक लाइन ड्रॉ करके। जैसे मान लो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, हमें लिख दिया प्रोसेसिंग, और हमें किसी भी स्टूडेंट को ये सिखाना है कि ये प्रोसेसिंग की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है, इसको सही कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसके पहले, इस टैग के पहले यस टैग लगा देंगे जो होगा स्टिकी। ठीक है, इसके जस्ट पहले जो है हम यस टैग लगा देंगे और यस टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिकी थ्रू टैग लगाते हैं जो होता कि हमारा यस, यस को हमने ओपन किया, यस को बंद कर दिया, जो गलत स्पेलिंग वाला टेक्स्ट है उसको इसके भीतर हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हमने इसके यहाँ पर सही स्पेलिंग दी। ये हो गया प्रोसेसिंग। अब इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम गो लाइव बटन पर जाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि देखने में लगता कैसे। लाइव सर्वर हमारा लोड हो गया है और आप यहाँ देखिए, ये जो प्रोसेसिंग शब्द था जो इसकी स्पेलिंग गलत थी उसके ऊपर एक लाइन आ गया और उसके बगल में हमारी सही स्पेलिंग आ गई। इससे हमारा रीडर ये जान जाएगा कि
कि जहां पर हम स्पेलिंग गलती किए हैं वह ब्राउजर हमारा क्या करेगा, उसको किस तरीके से कैंसिल किया जाए। अच्छा, इसका रियल लाइफ का एक प्रैक्टिकल और आपको हम बताते हैं। हम लोग ये पुराना सब कुछ हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसके भीतर हमने लगाया IMG टैग। IMG होता है इमेज टैग। IMG क्या है? इमेज टैग। तो हमने अपने बॉडी के भीतर ही इस्तेमाल कर लिया IMG। IMG टैग लगा दिया। अब IMG टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमें इमेज का कोई ना कोई सोर्स देना होगा, कि अगर हमें अपने पेज पर कोई इमेज इंसर्ट करना है तो IMG टैग इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इमेज आएगा कहां से, उसका सोर्स हमको बताना होता है। तो सोर्स के लिए हम SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं IMG टैग के भीतर। तो मैं लिख देंगे SRC इक्वल टू करेंगे, और जो भी इमेज है उस इमेज का नाम हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे, जैसे आपने बैकग्राउंड वाले टैग के भीतर किया। तो चलिए सबसे पहले हम ब्राउजर पर आते हैं, और ब्राउजर पे आने के बाद हमने एक लैपटॉप की इमेज सर्च कर ली, हमने लिख लिया लैपटॉप प्राइज इन इंडिया, ऐसे लिखकर सर्च कर, रैंडम कोई भी एक इमेज हमको इमेज के सेक्शन में मिल जाएगा। मिल गया ना, किसी भी लैपटॉप पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इस लैपटॉप का जो फोटो है, इस फोटो को हम सेव करें, तुमने राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज कर, और इसको वहीं पर सेव करेंगे जहां पर हमारा कोड है। तुम्हारा कोड है डी ड्राइव में वेबसाइट नाम के फोल्डर के भीतर, और यहां पे हमने लिख दिया इसका नाम लैपटॉप, और ये JPG की तरह फाइल है, JPG टाइप की फाइल है, इसको हमने कर दिया सेव। अब आगे वापस हमने टेस्ट एडिटर में, और यहां पे अगेन हम लिखेंगे लैपटॉप, और उस इमेज को हम इंसर्ट करा। देखिए जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, वो इसका यूज सबसे ज्यादा करती है, इस टैग का, जो टैग हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। इसको कर दिया हमने सेव। सेव करने के बाद हम पेज पर वापस जाते हैं जहां पर हमारा कोड रन हुआ था। तो आप देखिए ऐसा करने के बाद एक इमेज हमारी बनके आ गई। ठीक, यह इमेज ब्राउजर में बहुत बड़ा हमको लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर इस इमेज को छोटा करना है तो इसी IMG टैग के भीतर हम विथ WIDTH विथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। विथ का मतलब था चौड़ाई, कितना करना है, हमने कर दिया 400 पिक्सल। फिर पूछ रहा लैपटॉप की हाइट हमको कितनी रखनी है, हमने कर दिया यहाँ पर हाइट एट्रीब्यूट, और इसको कर दिया 300 पिक्सल, और इसको हमने कर दिया सेव 300 पिक्सल। यह एक लाइन का कोड जैसे ही हमारे प्रोग्राम में आएगा, हमारे प्रोग्राम में एक लैपटॉप का इमेज इंसर्ट हो जाएगा, और इसका विथ और हाइट सेट हो जाएगा। और छोटा करना चाहते तो और छोटा कर दीजिए, हमें इससे छोटा करने की आवश्यकता नहीं लग रही है फिलहाल, ये हमारे लिए परफेक्ट। ठीक है, जब ओरिजिनल ब्राउजर की साइज आएगा तो सही आएगा। हाँ, ये हमारा लैपटॉप आ गया। अब हमें नई लाइन पर जाना है। आपको पता है नई लाइन पर जाने के लिए हम लोग BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। BR ब्रेक रो होता है और हमारा कंट्रोल नई लाइन पर चला जाता है। क्लियर है? अब हमने लिखा HP कोर i3 4GB 1TB 15.6 inch लैपटॉप। ठीक, इंच का सिंबल हमने दे दिया और इसको कर दिया सेव। सेव करने बाद देखेंगे इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन इसी के नीचे आ जाएगा। आ गया ना, सुनाया? तो ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसी के आगे हम इसका प्राइस भी दे सकते हैं। हमने लिखा प्राइस
इक्वल टू रुपीज 34,500, ठीक। फिर उसके बाद में लिखा न्यू ईयर स्पेशल प्राइस, नया साल आने वाला है ना, न्यू ईयर स्पेशल प्राइस हमने लिख दिया रुपीज कितना 25,000। और एक काम और करते हैं, इसको हमने कर दिया कंट्रोल एक से कट, और इसके बाद लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट के भीतर इसको कर दिया पेस्ट। अब ये प्राइस हम हमने इसको सेव किया, सेव करने बाद इसका आउटपुट एक बार देखा, पेज को रिफ्रेश किया तो इस तरीके से आ गया। अब हमें करना क्या है कि जो पुराना प्राइस को ऐसे काट देना है, तो यहाँ पर हम यस टैग इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमने लगा दिया यस टैग, ये हो गया स्टिकी था, और ये जो प्राइस था जिस प्राइस को हमें हटाना है उसको कर दिया कट, और यहां पर हमने रुपीस का सिंबल भी हटा, इसको हमने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद पेज को कर दिया रिफ्रेश। अब ध्यान से इस आउटपुट को देखिए, अगर हम पुराने प्राइस को मिटा देते तो शायद हमारा यूजर ये नहीं जान पाता इसके उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, जान पाता नहीं जान पाता, लेकिन ऐसे हमारा यूजर ये देखकर हमारी वेबसाइट पर देखकर जान जाएगा कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का जो है कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ओरिजिनल दाम है 34,500, लेकिन नए साल का स्पेशल प्राइस कंपनी हमको दे रही है केवल और केवल 35,000। सुनाया? तो ऐसी जगहों पर इस स्टिकी थ्रो टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बस में ऐसी जगहों पर ये कोड हमारा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। आगे समझ में ना, एक कोड का यूज गए, इसलिए बोला मैंने कि ई कॉमर्स वेबसाइट वाले इस टैग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि बार बार उनको प्राइस को अपडेट करना होता है, बार बार पुरानी प्राइस लिखकर काट देना होता है, ठीक। समझ में आ गया ना? तो आप लोगों को करना ये है कि अभी इस कोड को नोट करना है। अगला टैग हम लोगों का है सब, सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक। तो जहां पर भी हमको सबस्क्रिप्ट लगाने की जरूरत होगी वहां पर हम इस टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज करो आपने लिखा H2O, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, टू को करना है नीचे, तो एमएस वर्ड में तो आप टू को सेलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब पे आके और यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंतर पर क्लिक करके इसको नीचे ले आते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही डिजाइन हमको HTML में बनाना हो इस तरह का, तो कैसे बनाएं? उसके लिए हम सब टैग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं H2O, लिख दिया, टू को लाना है नीचे, तो टू के पहले हम लगा देंगे सब, और टू को कर देंगे कहां पर, सब के भीतर, यहां से हमने कर दिया इसको कट, और कट करके यहां पे डाल दिया पेस्ट। तो ये हो गया एच सब टैग ओपन, ठीक, और यहां सबस्क्रिप्ट वाला टैग ओपन, फिर टू सबस्क्रिप्ट टैग का बंद, और फिर ओ, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे, तो ये देखो सेम इसी तरीके का आउटपुट आ गया, यहाँ पे देखो दिख रहा ना H2O, जैसी रिक्वायरमेंट हमको थी वैसा आउटपुट हमारा आ गया। समझ में आ रहा ना, जैसा रिक्वायरमेंट हमारा थी वैसा हमारा यहाँ पे आ गया इसी तरीके से। समझ में आ गया ना? तो जहां पर भी किसी लाइन के नीचे हमें कोई टेक्स्ट ड्रा करना होगा वहां पर हम सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो केवल इतना कोड आप लोग नोट कर लीजिए, एच सबस्क्रिप्ट टू एंड ओ, उसी में बढ़ा लीजिए जो पहले लिखे होंगे।
नेक्स्ट टैग जो हम लोग का है वो है अंडरलाइन, इसे बोलते हैं यू टैग। कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसको हमें अंडरलाइन करना है तो वहां पर यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो हम पहले हम क्या लगाएंगे, यू टैग। यू टैग को कर देंगे ओपन और यू टैग को हम कर देंगे क्लोज। ये हो गया हमारा यू टैग और ये सारा का सारा टेक्स्ट हम यू टैग के भीतर रखते हैं। तो हमने यू टैग को यहाँ पे कर दिया बंद। अब ये हमारा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ हो गया, अंडरलाइन टैग के भीतर आ गया। यू मतलब अंडरलाइन। इसको फाइल में आप करिए सेव और सेव करने के बाद जब इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये तो गायत्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के नीचे एक लाइन अंडरलाइन बन के आ गया, समझ में आया। तो यही यू टैग का महत्व है, यही यू टैग का यूज है। अगला टैग हम लोग का एस यू पी है। एस यू पी मतलब सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे सपोज करो हमें 10^4 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 फिर लगा देंगे एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट टैग और यहां पे कर देंगे 4। इसको हमने कर दिया सेव और सेव करने के बाद जैसे ही हम टेक्स्ट को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तुरंत ही हमारा ब्राउजर क्या करेगा, हमें ये आउटपुट दिखाई देगा। ये देखिए इसका आउटपुट है 10^10 आ गया ना, सुपर स्क्रिप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट अपने पास है बिग और फिर उसके बाद है चीजें स्मॉल। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। कोई पैराग्राफ आपने लिखा, अचानक कोई टेक्स्ट आपको बड़ा करना है तो आप उसको बिग कर देंगे। जैसे हम ये चाहते हैं कि एमएसएमई जो शब्द है इसको हमें बड़ा करना है तो हम इसके पहले क्या करेंगे, बिग टैग इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा बिग टैग। अब बिग टैग के भीतर हमने डाल दिया एमएसएमई, इसको हमने कर दिया कट और कट करके इसके भीतर पेस्ट कर दिया। उसको फाइल में आया, फाइल में आके हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे वापस और इस पेज को लोड कराएंगे। पहले सर्वर को बंद करेंगे फिर सर्वर को दोबारा गो लाइव कर देंगे। तो ध्यान दीजिए ये हो गया हम लोग का एमएसएमई। इसको हम थोड़ा सा जूम माइनस करते हैं। आप देखिए ये टेक्स्ट जो थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया बाकी टेक्स्ट की अपेक्षा, हुआ ना बड़ा। इस टेक्स्ट की साइज से थोड़ा सा बड़ा हो। इसका अपोजिट होता है, जिस टेक्स्ट को हमें छोटा करना है उसे हम स्मॉल कर देते हैं। अगर यहीं पर हमें इसे छोटा करना होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे लगा देते स्मॉल, स्मॉल टैग। ये हो गया स्मॉल टैग और इसको हम इसके भीतर पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो पहले का बिग पड़ा हुआ है उस बिग को हम हटा दें, ठीक है। फाइल में आया और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब दोबारा हम आएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये एमएसएमई छोटा हुआ। तो नॉर्मल टेक्स्ट की जो सीरीज चल रही है अगर उस सीरीज से हमें कुछ छोटा करना है या कुछ बड़ा करना है तो स्मॉल और बिग का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज को बड़ा करना है उसको बिग और जिसको छोटा करना है उसको स्मॉल। आगे समझ में। तो ये आपके सारे टैग हो गए। बोल्ड के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। इटैलिक के बारे में सिंपली आपको आई कर देना है, जो टैग आपको छोटा करना है उसको आपको कर देना है आई इटैलिक। हाँ, जो टैग आपको इटैलिक करना है उसके पहले आप लगा देंगे आई। जैसे मान लो यहाँ है प्रोडक्ट लिस्ट और इसे हमें थोड़ा सा तिरछा कर देना है तो हमने लगा दिया आई।
ठीक। और ये होगा क्या, इसके भीतर का टेक्स्ट हमने यहाँ से कट कर दिया और कट करते आई के भीतर पेस्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। सेव करने के बाद जैसे इस पेज का हम आउटपुट देखेंगे वो अक्षर जिसके पहले और जिसके बाद में आई लगाया गया है उतने दूर का टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। हो गया ना, तो आई टैग हमारा क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। HTML इमेजेस, इसके बारे में अभी जस्ट आपको पढ़ाई दिया कि HTML में इमेज अगर इंसर्ट करना है तो img टैग लगाएंगे, src एट्रीब्यूट लगा देंगे और उस इमेज का URL आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको इंटरनेट से कोई इमेज पसंद आ गया है तो उसका एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो भी इमेज आपके पेज में दिखने लगेगा। समझाया? अगर नेट पर कोई इमेज आपको अच्छा लग रहा है जो नेट पर अपलोडेड है तो उस अपलोड किए गए इमेज का एड्रेस जो HTTP करके होता है www.com वो एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इमेज का लोकेशन सेट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको इमेज वहीं पर रखना है जहां पर आपका फोल्डर है, जहां पर आपकी फाइल है। इमेज का विथ और हाइट सेट करना मैंने आपको बता ही दिया आज। अब अगर किसी इमेज के चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर इमेज इंसर्ट किया है, ठीक, और इस इमेज के चारों तरफ हमको बॉर्डर लगाना है तो हम क्या करेंगे, img टैग के भीतर बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। लिख दिया मैंने बॉर्डर, border बॉर्डर इक्वल टू जितने पिक्सल का बॉर्डर देना है उसका पिक्सल हम सेलेक्ट कर लेंगे, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, 7 पिक्सल, जितना पिक्सल आपको लगाना है उतना पिक्सल आप लगा देंगे। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी बॉर्डर आपका उतना मोटा दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो ये देखिए अब इस लैपटॉप के चारों तरफ एक बॉर्डर बन गया, बन गया ना, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों के पास है वो है इमेज का अलाइनमेंट। इमेज को हमें लेफ्ट में लाना है, राइट में लाना है या सेंटर पे लाना है, ठीक। तो उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू और हमने कर दिया राइट, RIGHT, और इसको हमने कर दिया सेव। इसका असर ये पड़ेगा कि ये इमेज हमारा भाग जाएगा दाहिने, इमेज कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। और आप देखिए इसका इफेक्ट पड़ चुका है, अब आपका इमेज जो है राइट साइड में आ गया, पहले इमेज लेफ्ट साइड में था। तो यहां से कोई भी अलाइनमेंट आप लगा सकते हैं, अलाइनमेंट मैंने आपको बताया है, अलाइनमेंट लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, ठीक है। ये तीनों प्रकार के अलाइनमेंट इमेज के केस में सपोर्ट करेंगे। अब है HTML टेबल, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस ठंड में पढ़ने आए इसके लिए आपको अगेन धन्यवाद, इसी तरह डेली पढ़ने आते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।